कौन करता है एक लड़की का बलात्कार? गाइस, कौन? आज की जो वीडियो है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, या मुझे किसी कौन सी बात ऐसी हर्ट कर गई जो मैंने अभी देखी या सुनी है, या मुझे ये भी नहीं पता सीरियसली कि ये वीडियो आप तक पहुँचेगी या नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो मेरे दिल दिमाग में आ रहा है मुझे वो बोलना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से दो लोग चार लोग शायद इसे देखेंगे, मुझे नहीं पता आप इसे लाइक भी करेंगे या मेरी बात से एग्री भी करेंगे, लेकिन स्टिल मैं ये बात करना चाहती हूँ, तो शायद मैं इसलिए कर रही हूँ। कौन करता है एक लड़की का बलात्कार? कौन? आई नो आप सबके दिमाग में एकदम बात आ गई होगी, लड़के आदमी एक लड़की का एक औरत का बलात्कार करते हैं, ये वो सच है जो सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो शायद हम कहीं ना कहीं जानते तो सब हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम भी शायद उनमें से एक हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हकीकत है ये कि एक लड़की का बलात्कार ज़रूर एक लड़का एक आदमी करता है, लेकिन पल पल हर दिन हर घंटे उसका बलात्कार हम जैसे अच्छे फैमिली के पढ़े लिखे एक अच्छी सोसाइटी से अपने आप को इज्जतदार कहने वाले लोग करते हैं। ये नहीं सोचते कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रहा है, आप उस लड़की की धड़ल्ले से उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, उसके बारे में कुछ भी कह रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना पता है अरे हम इज्जतदार हैं, हमारे लिए वो गलत है और हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। पूजा के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ पे आप लोग खड़े होते हैं बैठते हैं वहाँ पे यही कर रहे हैं। आपको एक अजीब सी बात बताती हूँ, अगर एक लड़का लड़की अपने आपस में डेट कर रहे हैं तो अगर हम तुम या मैं हम लोग देखेंगे तो हम बोलेंगे लड़की कितनी ख़राब है, इस लड़के के साथ इसका रिलेशन चल रहा है, ये कैरेक्टरलेस है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लड़का भी इतना ही उसके साथ इन्वॉल्व है। नो, अगर वो बात उसकी फैमिली में पता चलेगी लड़के, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारा बेटा गलत है, वो बोलेंगे वो लड़की उसे घुमा रही है, वो लड़की उसे सिखा रही है। अगर वो लड़का अगर उस लड़की को लेके सीरियस है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट उस लड़की के साथ रहना चाहता है और अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा है, तो वो घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि वो लड़का खुद ऐसा कर रहा है, वो बोलेंगे वो लड़की उससे ऐसा करा रही है। सीरियसली, क्या मानसिकता है ये? कैसे लोग हैं वो? आपस में बैठ के आप किसी जगह जा रही हैं, वो लेडीज़ें, वो औरतें, आंटियां, मोहल्ले पड़ोस की, जो अपने आप को बहुत रिच, बहुत एजुकेटेड, बहुत सोसाइटी, एक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाली समझती हैं, वो किसी जगह पूजा पाठ करने जा रही हैं किसी बाबा को मनाने, और अपने आप को एक बहुत बड़ा भक्त प्रूव कर रही हैं कि हम बहुत बड़े भक्त, संस्कारी, हम पता नहीं क्या हैं, और वहाँ बैठ के वो उन लड़कियों का बलात्कार हर पल हर घड़ी कर रही हैं। जिन लड़कियों को पता भी नहीं होगा कि ये जो महान आंटियां हैं यहाँ, वो वहाँ बैठ के उस लड़की के पूरा कैरेक्टर, उसके माँ बाप की इज्जत, उस लड़की की इज्जत सबको बर्बाद कर रही हैं सिर्फ अपनी सोच से, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। सही में ऊपर से 10 लोगों में बातें, और आपस में उस लड़की को देख के इस तरह से टोंट करना, इस नज़रों से देखना कि उस लड़की को ये साबित कराना कि तू गलत है, कहाँ तक सही है ये? क्या वो लड़की को, आपको नहीं लगता हम बोलते हैं लड़की ने सुसाइड कर लिया, लड़की ने आत्महत्या कर ली, ये कर लिया, कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी सोच इतनी अच्छी है, जो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनकी सोच इतनी बड़ी है। जागो गाइस, जागो, है ना? कौन, कहाँ से आते हो तुम लोग? एक लड़की का करेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का खराब नहीं करता है, आप जैसे लोग खराब करते हैं। आपने कभी सोचा है वो लड़का, उसकी फैमिली, वो आंटियां सब आराम से सोते होंगे, आराम से अपनी ज़िंदगियां जी रहे होंगे, कहीं जाते होंगे 10 20 50 500 बातें करते होंगे उस लड़की के कैरेक्टर पे, फिर आगे वो 50 करते होंगे, फिर वो आगे 50 करते होंगे, और वो लड़की आपको पता भी नहीं होगा, वो लड़की शायद कितनी रातों से सोई नहीं होगी, शायद किस डर में, किस उलझन में जी रही होगी कि मुझे जीना चाहिए, क्या मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए, क्या मुझे मर जाना चाहिए, किस 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 टॉर्चर से गुजर रही होगी। आपने सोचा ही नहीं है, आपने सिर्फ उसका कैरेक्टर बता दिया है। डिस्कस्टिंग। मैं
सीरियसली अगेंस्ट हूँ इस सोच के, इस सोसाइटी के, एंड मैं बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ इस सोच को, इस मानसिकता को। अगर आप लोग हाई सोसाइटी, और हाँ एक बात मैं भूल गई, हम सोचते हैं ना वो अनपढ़ गवार, वो ठेले लगाने वाले मजदूर लोग जिन्हें हम गवार बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, जाहिल बोलते हैं, वो लोग ये काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, उन्हें कमाना है, खाना है, अपनी फैमिली पालनी है। लेकिन हम जैसे हाई क्लास लोग जिन्हें भगवान की दुआ से दो रोटियां मिलती हैं, उनके पास करने के लिए कुछ काम तो है नहीं, तो वो दूसरे की बेटियों की इज्जत उछालते हैं खुद की बेटियां होते हुए। सीरियसली, सो गाइस, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो से कितना समझ पाए हैं, मैं अपनी बात कितनी कह पाई हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक आने के बाद बिना लाइक किए और बिना शेयर किए जा रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं थी। आप जा सकते हो, और दोबारा ये वीडियो कभी भी खोलने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिएगा। एंड आई एम सॉरी कि आपने अपने 2, 4, 5 मिनट इसके लिए वेस्ट किए। बिल्कुल लाइक मत कीजिए और दोबारा यहाँ बिल्कुल मत आइए। थैंक यू।